जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फा सोल्जर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। जब मेरा फिजिकल टेस्ट था तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसका मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उसके कुछ महीनों बाद आपका फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। एसएससी जीडी का फिजिकल टेस्ट सीएपीएफ के अंडर आने वाली जितनी भी फोर्सेस होती है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या आईटीबीपी, आपका फिजिकल टेस्ट का जो सेंटर है इन्हीं में से किसी फोर्स के सेंटर पे होगा। एडमिट कार्ड में दिए गए डेट और टाइम के अनुसार आपको उस सेंटर में रिपोर्ट करना है। जब मेरा एडमिट कार्ड आया था तो मैंने दिए हुए डेट और टाइम के अनुसार सुबह 4 बजे ही अपने सेंटर में रिपोर्ट कर दिया था। सबसे पहले तो मैं सेंटर में गया, वहाँ बहुत सी भीड़ लगी थी। जितने भी एस्पिरेंट्स वहाँ आए थे सब वहाँ बाहर खड़े थे। लगभग 1 घंटे बाद सबको लाइन से खड़ा किया गया और गेट में एंट्री दी गई। गेट में एंट्री के दौरान आपका प्री हाइट होगा, हल्के फुल्के में आपकी हाइट नापी जाएगी। एसएससी जीडी में आपको पता है 170 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। जब आपका प्री हाइट हो जाता है उसके बाद आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा और बायोमेट्रिक होगा। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि लगभग 300 से 400 लड़के वहाँ रहते हैं, तो जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक रनिंग नहीं करवाई जाती। जब सबके जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें देख लिया जाता है तो उसके बाद रनिंग करवाई जाती है। रनिंग 100-100 के ग्रुप में करवाई जाती है। रनिंग में आपको 5 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। जब 100 लड़कों को दौड़ाया जाता है तो हर पॉइंट पे, यानी कि हर 1 किलोमीटर पे आपको पानी का पॉइंट रहता है, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई वो पानी पी सके। और हर 100 लड़कों के पीछे एक एम्बुलेंस जाती है। जरूरी नहीं कि हर जगह रेस एक जैसी करवाई जाए, कहीं पर सीधे 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है, कहीं कहीं 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, और कहीं पर राउंड भी लगवाया जाता है। जब आपकी 5 किलोमीटर की रेस पूरी हो जाती है उसके बाद क्वालिफाइड करके आपको बैठाया जाता है, और एक बैनर के साथ जिसमें कि पास या क्वालिफाइड कुछ ऐसी लिखा रहता है उसके साथ आपकी फ़ोटो खींची जाती है। रेस हो जाने के बाद आपके जो कपड़े हैं वो उतारवा दिए जाते हैं, सिर्फ अंडरवियर रहता है। उसके बाद आपका हाइट फिर से होता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से 2-2 या 3-3 लोग आपकी हाइट को नापते हैं। हाइट हो जाने के बाद आपका वेट किया जाता है। हमारा जो वेट है वो हमारी बॉडी की हाइट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट होता है। चेस्ट आपको पहले नॉर्मल आपकी चेस्ट नापी जाएगी, उसके बाद फुलाने के बाद आपकी चेस्ट नापी जाएगी। चेस्ट में फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का तो होना चाहिए, और चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद मिनिमम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद जब बड़े अधिकारी आते हैं तो एक पेपर होता है जिसमें कि हाइट, चेस्ट, वेट, उन सब में जो चीज़ें आपने क्वालिफाइड की उसमें क्वालिफाइड लिख दिया, जो नहीं कर पाया है उसे डिसक्वालीफाइड लिख दिया। मतलब जितनों की भी कागजी कार्रवाई है वो करने के बाद उसमें सील लगा दी जाती है। एक कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी आपको देते हैं, और इसी के साथ पूरा फिजिकल हो जाता है। फिजिकल के दौरान एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना खाना और पानी ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं भी सुबह 4 बजे गया था और शाम के 4 बजे छूटा। मैं खाना नहीं ले गया था, पानी तो ले गया था लेकिन खाना नहीं ले गया था, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अपने साथ पानी या खाना ज़रूर ले जाएं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वहाँ कैंटीन अवेलेबल रहेगी, अगर नहीं है तो जैसे मेरे सेंटर में था कैंटीन नहीं थी, तो इसी तरह आप भूखे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।